वन आरजे रौनक ने। बहुआ बन के आज क्या मजे लिए, लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one man, Ronak. 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 एक बार फिर बजाओ। बहुआ को टॉपिक देते हुए एक भाई साहब कहते हैं कि जब भी कोई इंसान गुस्से में होता है तो उसका मुंह फूल जाता है, मुंह लाल हो जाता है, ऐसा क्यों हो जाए? इसी पर बहुआ और बैरागी जी ने करी एक एफ से रॉकिंग चर्चा, जरा सुनिए। हेलो। तो बहुत ही रोमांचक था, दौर भी अच्छा था और समय में। हेलो। बाल कलर करवाया ऐसे लग रहा है। हेलो, कहाँ के पूछ रहे? हेलो। हाँ जी, नमस्कार, बताइए जी। मैं बहुआ, मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत शुक्रिया नव युवक हमारे साथ जुड़ने के लिए। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। आप तैयार है क्या? दो मिनट लगेगा, हम आपसे कुछ पूछना चाह रहे थे। एक स्पेशल चर्चा। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ भाई। जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि, आईना दिखाने के लिए। आईना दिखाते हैं। किसको आईना दिखाते हो? एक सेकंड, टॉपिक होता है, डिस्कशन होता है, दो मिनट लगता है। ठीक है जी। समाज को आईना दिखाने की ड्यूटी निभाई है। इन्हें ठीक है बोल दिया बैरागी जी। चलिए भाई साहब, टॉपिक यही है कि गुस्से में अक्सर लोगों का मुंह फूल जाता है। आपका भी फूला है मुंह? गुस्से में मुंह लाल होता है। यानी लाल भी होता है और मुंह फूल भी जाता है ना, फूला के बैठ जाते हैं कुछ लोग। अच्छा, फिर आगे बताओ। हाँ, तो मुंह फूल जाना, मुंह का लाल हो जाना, बैरागी जी इससे क्या संबंध है? देखिए, मुंह फूला के बैठ जाना अपने आप में एक प्रकृति से जुड़ा हुआ सवाल है। प्रकृति से जुड़ा जी? भाई साहब सुन रहे हैं आप? कैसे जुड़ गया प्रकृति से? देखिए, बहुत ही सीधा संपर्क है इसका प्रकृति से। प्रकृति से, जैसे कि गुस्से में मुंह फूलता है और लाल हो जाता है, भाई साहब मानते हैं? ठीक है। तो लाल क्या होता है? लाल क्या होता है भाई साहब? क्या होता है लाल? गुलाब होता है। गुलाब होता है। और गुलाब क्या होता है? गुलाब फूल होता है। फूल होता है। तो मुंह गुलाब फूल होता है और मुंह जो है फूल जाता है, लाल हो जाता है। तो मुंह फूल गया ये। जब गुलाब सा मुंह लाल हो जाए तो यानी कि फूल गए। पागल है क्या? ये तो बड़ी छोटी सी चर्चा थी बैरागी जी। बहुत ही छोटी क्रिस्प। पागल जाने से लेके आए। गलत मत बोलिए बैरागी जी, इनका नाम क्या है? खमीरा। आप खमीरा हैं? कौन खमीरा? आप खमीरा रहो। दो डंडे मारूंगा ना उसके पीछे तो उसकी भी फूल जाएगी। बस। अरे वाह। बैरागी जी को गंदा मत बोल। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ चाहिए? इस बार की चिट्ठी फकीरा ग्राम से, बस की महिला सीट पर सात समंदर पार गाना ईयरफोन में सुनने वाली कुमारी फिरनी लूसिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फिरनी जी, एफ से रॉकिंग नहीं होता, बस में क्यों सफर करती? इंडियाज नंबर वन आरजे रौनक ने बहुआ बन के आज क्या मजे लिए, लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. एक बार फिर बजाओ। भाई राहुल ने फोन करके बहुआ को टॉपिक दिया, कहते हैं कि मैच के बीच में एक लड़की इंटरनेट का कनेक्शन बेचती हुई दिखाई देती है एड में, और इतनी तेज लड़की है कि एक ओवर पहले वो शिलोंग में होती है तो दूसरे ओवर के बाद वो शिमला पहुंच जाती है। क्या बहुआ इस तेज लड़की की बात पर कुछ मजे ले सकता है? सुनिए। हेलो भाई साहब। कौन? अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ जी, बहुआ जी। जी नहीं जी, तो टू के आगे थ्री के आगे फोर के आगे जी लग रहा था, वो टू जी। अच्छा, बोल बोल बोल। मैं दो मिनट चाहिए था। मैंने पहचाना नहीं, कौन? बहुआ बताया तुमने? कौन बहुआ? अरे मैं बहुआ। अरे मैं कौन? आप मुझसे क्यों पूछ रहे मैं कौन? आप कौन है आपको नहीं पता? अरे तो बता ना। वो एक लड़की आती है एड में टीवी पर। कौन सी टीवी, कौन सी एड? वो छोटे बाल वाली सिम कार्ड बेचती है इंटरनेट का, बड़ी तेज लड़की है भाई। अरे तेज भी है, प्यारी भी है, तू कौन है? मुझे क्यों गलत बोल रही है? उस लड़की के लिए मेरे को बोल रही है भाई। मैं फोन रख दूँ यार। एक सेकंड, सॉरी, बहुत तेज। एक मिनट, एक ओवर पहले वो शिमला में रहती है। अच्छा। अगले ओवर में वो शिलोंग पहुंच जाती है। वो पैदा होती इतनी तेज लड़की है, मेरे को तो लगता है जिस दिन वो पैदा हुई होगी अगले दिन ही पांचवी कक्षा में पहुंच गई होगी। वैसे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल किसने जीता? T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल किसने जीता है? तो फाइनल हुआ ही नहीं अभी तक। उसने तो देख लिया होगा, बहुत तेज लड़की है ना, उसको पूछना पड़ेगा। अब तो पागल है क्या उसने? एक सेकेंड, आपने अभी तीन चार दिन पहले कौन सा त्योहार मनाया? होली। वो 2018 का मकर संक्रांति मना रही है आज।
तेरे चाचा ने बनाया? मैं बता रहा हूँ ना, ड्यूअल सिम है। ड्यूअल सिम? दो सिम है, एक में 3G, दो में 3G, टोटल 6G। वैसे 6G याद आया, एक ओवर में कितने बॉल होते हैं? 6 बॉल होती है, इतनी होती है। अरे यार दिमाग नहीं लगाया ना तुमने, एक ओवर में एक ही बॉल होती है, 6 बार फेंकी जाती है। और एक चीज बताता हूँ उसी लड़की से संबंधित, गुफा में पहाड़ के बीच दड़ाड में 4 लड़के बैठे हैं, मोबाइल पे हंस हंस के जो देख रहे हैं, वो अंदाज अपना अपना, आज के जमाने में 4 लौंडे। अबे तो तेरे को क्या करना है, तू कुमड़ा कर रहे हैं, आज अपने अपने देखोगे तेजा मार के। भाई एक बात बताओ, 3G में जो जी होता है और पार्ले जी में जो जी होता है वो एक ही जी है, क्या मतलब? वो एक ही जी है, और जी का मतलब रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ, मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर 1 शो विद इंडियाज नंबर 1 आरजे। ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया, कहते हैं कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कोहिनूर हीरा विदेशियों तक, वो इंग्लैंड वालों तक पहुँचा कैसे है? क्या बैरागी जी बउआ के साथ मिलकर इसी पे कोई चर्चा कर सकते हैं? हेलो, नमस्कार भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, मेरे साथ नंदी किशोर बैरागी जी भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। किस लिए बोल रहा है? जैसे हर हफ्ते मैं सब बता दूंगा, अगर आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है बताओ। हर हफ्ते एक चर्चा होती है भाई साहब। चर्चा? एक मुद्दा होता है, उसमें बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट अपनी टिप्पणी देते हैं और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि। हेलो, तो मुझे कैसे ले तुमने? एक मिनट लगेगा बस, कोहिनूर हीरे को लेकर बड़ा बवाल चल रहा है, बहुत ज्यादा चर्चा भाई साहब। सुना है आप? चर्चा करोगे? हाँ चर्चा नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, ये हमें बताएंगे कि आखिर कोहिनूर अंग्रेजों के पास गया कैसे। इनको सब पता है बैरागी जी, प्लीज बताइए क्या कहानी है? पहली बार मैंने जाना है कि राजा टफी त्रिपाठी, बाप का नाम देखिए, अपने सत्यवचन अपने पास रखिए। तो कैसे नाम ले रहा हूँ? एक सेकंड, राजा टफी त्रिपाठी के यहाँ 10 साल बाद पुत्र का जन्म हुआ। क्या बात, जिसकी खबर सुनाने के लिए सदा पांडे दौड़ा आया, उनका दास सदा पांडे। राजा ने सुना जैसे ही पुत्र हुआ है, हीरा निकाल कर अपनी जेब से सदा को दे दिया। जैसे ही सदा के हाथ में हीरा आया, ईस्ट इंडिया कंपनी दौड़ी चली आई। क्या बात, उन्होंने आके राजा, अरे मामा जी सुन लो, उन्होंने आते ही राजा को बंदी बना लिया। लेकिन राजा तो बंदा था, बंदी कैसे बने? राजा ने बोला मुझे बंदा ही रहने दो, मैं हीरा नहीं दूंगा। अंग्रेज बहुत चालाक थे, उन्होंने सदा पांडे को उठाया और अपने साथ ले लिया। तब राजा को अपना दिया वचन याद आया। भाई साहब, अरे सुना क्या रहा है, ये तो बताया साला सुना रहा है। तब राजा को क्या वचन याद आया? जब अंग्रेज सदा को ले गए, तब राजा को अपना वचन याद आया कि मैंने जब हीरा सदा को दिया तो कहा था हीरा सदा के लिए। हीरा सदा के लिए, इसलिए सदा भी गया, हीरा भी गया, तब से अंग्रेजों के पास हीरा है। ओ, मेरे पास बहुत बड़ा खीरा तेरी। एक सेकंड, गलत बोल रहे हैं आप, बैरागी जी इनका नाम क्या है? किलसन जोशी, बहुत किलस रहे हैं आप। चर्चा यही खत्म की, प्रकाश लोसिन के साथ मैं बउआ और बैरागी, और ये थे किलसन जोशी। किलसन जोशी, बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी काबुल के शहर दमगुटकू से, खरबूजे के बीच सुखाने वाली सेंटी रीता कहती हूँ गाइस, आर एफ से रॉकिंग होती है। सेंटी रीता एफ से रॉकिंग नहीं होता, और रीता खा लो पपीता। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ, मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one, bear on the run. 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 एक बार फिर बजाओ। भैया आज संकेश फोन करके बउआ से कहते हैं कि एक बड़ा सुपर हिट गाना हुआ करता था, टिप टिप बरसे पानी, लेकिन समझ में नहीं आया कि टिप टिप बरस के आखिर पानी ने आग लगाई कैसे। तो बउआ यानी मैंने और बैरागी जी ने करी इसी पर एक स्पेशल चर्चा, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, कौन जी? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवयुवक, बहुत शुक्रिया। बताइए बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते,
कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसे एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई दो मिनट। हाजी बैरागी जी, जी आपने एक गाना सुना होगा जी, टिप टिप बरसा पानी, भाई साहब पानी में आग लगा दी। हाँ, पानी ने आग, बैरागी जी पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगड़ ध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। एक बार सुन लो। फिर तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी, भगवान को भी मनाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन घनन गाना भी बजाया गया, कोई फायदा नहीं। बोलो ना, पूरा गाँव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ मेरे कुएं से पानी निकालो। हाँ। और गांव में पहुंचा दो। गांव में पहुंचा दो तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींच कर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई पूरे गांव में जैसे ही पानी बरसता गया आग लगती गई। पानी नहीं, कैसे आग लग गई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश की जैसे ही तेल बने लगा आग लग गई। तो इनका नाम क्या बेटा जी? दमकल डब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल डब्बू हैं? इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलेस कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। ओह माय गॉड, कम्मो जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। इंडिया नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one fan, morning number one fan, morning number one fan, morning number one fan. एक बार फिर बजाओ। भाई आज सिद्धू पाजी का बर्थडे है तो बउआ को टॉपिक देते हुए एक भाई साहब ने कहा कि अक्सर बात करते करते बातें कम और शायरियां ज्यादा करते हैं, तो क्या बउआ भी आज शेरो शायरी के स्टाइल में कुछ मजे ले सकता है किसी के? ये सुनिए क्या किया बउआ। हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हो? कौन बोल रहे हो? हाँ सुन रहा हूँ यार, कौन बोल रहे हो? धीरे धीरे अपने दिल के सारे राज खोल रहा हूँ। नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आप बोल कौन रहे हो ये बताइए पहले। मैं बउआ, जीवन का लक्ष्य बनाओ और भेजो। क्या बोल रहे हो भैया, मेरी कुछ समझाना। आवाज कट रही। मैं कह रहा हूँ जीवन का एक लक्ष्य बनाओ और भेजो। आपके पास 2 मिनट है तो दे दो। देखो ना बनाओ हमारा नहीं, वो नहीं बना रहे। सुनिए, सुबह का टाइम है ना, घुमाओ तो। एक सेकेंड, बात को दुनिया की हर खुशी आंसुओं से तोल रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे, इसीलिए हर बात साइड में बोल रहा हूँ। अरे बनाओ, समझ नहीं रहे हो क्या चाह रहे हो तुम यार? मैं बता, जीवन एक व्यंजन है, इसे धीरे धीरे चाट रहे हो। मैं कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ और आप फोन काट रहे हो। अरे सल फोन नहीं काटते, तुम प्याज काट देंगे सुबह सुबह, समझ। सेकेंड, उसकी यादों से अपना जीवन नहीं बुनूंगा। आप गंदा मत बोलिए, मैं ज्यादा नहीं सुनूंगा। अगर तुझे शेर और शायरी में कमी है। हाँ, शेर और शायरी में बात करनी, आवाज कट गई, क्या कह रहे थे? हाँ मैं सुनाऊँ तेरे को शेर? सुनाइए। बहुत फालतू बैठे हैं हम, एक दिन मिलोगे। आवाज कट गई। हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? जिस दिन मिलोगे नहीं छोड़ेंगे, जिस दिन मिलोगे छोड़ेंगे सालत। बारिश हो रही है पीछे। जिस दिन मिलोगे नहीं छोड़ेंगे। हाँ। जिस दिन मिलोगे नहीं, साला दिन भर के तुम्हारा तोड़ेंगे। दोबारा मत फोन करके। गंदा बोल रहे, गंदा ही बोल रहे। इंडिया नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए। लॉग ऑन करो redfm.in पर, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning, morning, number one. Hey,
फोन किया था बउआ को टॉपिक देने के लिए, कहते हैं कि बॉस इंसान का दिमाग आजकल ऐसा हो गया कि आप बोलो कुछ और वो समझता कुछ और है, वो भी बहुत जल्दी समझ लेता है। अभी से बउआ ने क्या मजे लिए सुनिए। हेलो हेलो कौन? आवाज गूंज रही है, शौचालय में है क्या? नहीं आवाज तो बताइए। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, दो मिनट आपसे काम था। हेलो कह रहा था जी कि एक दोस्त ने मुझसे बोला कि आज कुछ ऐसा गिफ्ट बता जो मैं दूं तो तेरे भाभी की सीधा जेल पे लगे। तो फिर क्या बताया तुमने? मैंने बोला गोली मार दे। पर बात एक बात बतानी पड़ेगी भाई साहब। जी बताइए। जमाना जो है ना आजकल बड़ा हो गया। नहीं खराब हो गया। इंसान है ना इंसान, एक दूसरे की मार के रखा है। वाट लगाइए रखा है। अब तो मतलब गर्मी भी इतनी हो गई है कि उसने मतलब चीची बोल रहे आप। अरे एक सेकेंड, आज आज का अखबार देखा आपने? नहीं। पनामा पेपर्स ने ना बड़े बड़ों की क्या बोल दी है? पोल खोल दी है, पर्स पोल। मतलब यार हमारे पड़ोसी जो है मुल्क वाले अक्सर मतलब इतना आतंकवादी हमले का ये सब बात मेरे को अच्छा नहीं लगता यार। वो तो है, वो तो है। हमारी आर्मी को, आर्मी को एक मौका दो, हमारी इंडियन आर्मी को। अच्छा क्या करेंगे वहाँ जाकर? अरे उनको यहाँ जाके उनको जल से फाड़ देगी। जड़ से क्या? जड़ से फाड़ देगी, जड़ से। अच्छा बड़े सिंपली बोल दिए, मेरे को लगा इस बार भी आप क्या लगा क्या लगा। नहीं आप जिस हिसाब से शरीर के सिर्फ एक ही अंग पे बार बार दबाव डाले रहे थे, मुझे लगा आप इसमें भी वही बोलेंगे। एक मौका दो हमारी आदमी जी यार, गलत आदमी तू बोल रहा है, गलत बात कर रहे। रखो फोन रखो, इतना गंदा बोल रहे हो। मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो क्या कर लेता? क्या करता आप ही बता दो, ये भी आप ही बता दो। भाई साहब अरे घंटा भाई साहब का ही जी रखो। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर वन रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। रेड एफएम प्रेजेंट्स इंडियाज नंबर वन शो विद इंडियाज नंबर वन आरजे। मनु ने फोन करके बहुओं को टॉपिक दिया, कहते हैं विराट कोहली ने अकेले दम पर इंडिया को मैच जिता दिया, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो कमियां ढूंढते हैं हर चीज में। इसी बात पर बहुआ ने क्या मजे लिए सुनिए। हेलो भाई साहब। हेलो कौन? नमस्ते। नमस्ते अंकिल। हेलो बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ बोल रहे हो जी? मैं बहुआ बोल रही हूँ। भाई मैं कौन? वो तो आपको बताओगे ना आप कौन। मैं बहुआ हूँ। अरे भैया मैं बउआ, मैं तो बताओ। मैं कह रहा हूँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच। हाँ हाँ बता। कल शाम को। हाँ हाँ बता। देखा आपने? हाँ जी बिल्कुल देखा। बता क्या रहा मैच में बताइए। मैच में क्या हुआ? विराट कोहली ने मैच जीता दिया। किसने जीता है? विराट कोहली ने। मैच परफॉर्मेंस देखे मैं अपनी लाइफ का। एक मिनट, कितने रन बनाए उसने? उनने मेरे ख्याल से आपका 80 के करीब बनाया, 70 प्लस 82 बनाया। कितने बॉल पे? 51 पे बनाया। हाँ तो अच्छा नहीं बनाया। शाहिद अफरीदी ने 37 बॉल में सेंचुरी मारी थी। किसकी गलती है फिर? मैं गलती तेरी है, तू अपने माँ बाप का गलत नतीजा है। तू पागल है। बस कट, ऑफिस जाते हो आप? तू मेरा दिमाग मत खा। एक सेकंड, कैसे जाते हो? एक सेकंड बताओ, एक सेकंड। ऑफिस जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ। बाइक पैदल जाता हूँ। पैदल जाते हो, अच्छा कपड़ा पहनते हो, सेव वगैरह करते हो, दाढ़ी बनाते हो? हाँ करता हूँ। बता कैसे खेलते ग्राउंड में? दाढ़ी पूरा रख के आए, दाढ़ी सेव करके नहीं संडे था। अरे भैया हो भाई, विराट कोहली मैं आदमी भेज सकता था उस तरह से, उसकी दाढ़ी बना देता। उस तरह से मैं बता दूंगा। हेलो भाई साहब, फोन कट गया था शायद। अरे भैया वो बेशरम, तू बार बार क्यों में सेकंड बीच पागल हो गया क्या तू? विराट कोहली। अबे विराट कोहली तेरे बल्ला दे देगा, मान जा। जल्दी मैच जिताया जा सकता था, लेट किया जा रहा है, किया जा रहा है। कम ऑन यार, गलत क्या किया उनने? सही कर रखा। आखिरी चीज सुन। हां बता बता। वो 19वां ओवर देखा था? हां देखा था। कितना चाहिए था? 20 रन चाहिए था दो ओवर में। हां तो चाहिए थे। बता सेकंड लास्ट ओवर में उसने कितने चौके मारे? हाँ पहला ओवर मिस करके तो फिर चार चौके नहीं मारे उन्होंने लगातार। चार चौके मारे है ना? हाँ मारे। एक ओवर में कितनी बॉल होती है? एक ओवर में 6 बॉल होती है। बता नहीं, बॉल एक ही होती है, 6 बार फेंकी जाती है।
छह बॉल होती है कायदी से कितने चौके मार सकता था? कायदे में छह चौके मार सकता था। मारे कितने? चार मारे ना। तो गलती किसकी है? अबे भैया हो, भैया हो। अब तू फोन काट, ठीक है? ज्यादा बोलेगा तेरे से सच बर्दाश्त नहीं होगा। और याद रखना, एक ओवर में एक ही बॉल होती है, छह बैट फेंकी जाती है। ठीक है। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर वन रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। Red FM presents India's number one show with India's number one RJ. Morning number one band, morning number one band, morning number one band, morning number one band. एक बार फिर बजाओ भाई। सिद्धार्थ ने फोन करके बबुआ को टॉपिक दिया कि अकल के घोड़े दौड़ाना, ये एक बड़ा फेमस सा मुहावरा है, क्या इस पे कुछ मजे लिए जा सकते हैं? हेलो, नमस्ते जी अंकिल, मैं बबुआ बोल रहा हूँ। काम क्या है? दो मिनट आपसे बात करनी थी भाई। है कौन तू? बता तो दिया ना बबुआ, दो मिनट चाहिए, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। नहीं, हेलो, बस काम।